बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की हालत बिगड़ने पर उज्जैन के एक शासकीय अस्पताल के डॉक्टरों पर पीड़ित के परिजनों ने लापरवाही के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि इलाज के नाम पर डॉक्टर ने 6,000 की ठगी भी की है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पूर्व आगर जिले के पिपलोन कला गांव के रहने वाले साहिल पिता रशीद खान गाड़ी से गिर गए थे, जिसमें उनके दाएं पैर की एड़ी में फ्रैक्चर होने के कारण परिजनों ने उन्हें उज्जैन के शासकीय माधव नगर हॉस्पिटल में भर्ती किया, जहां डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन करने को कहा गया। परिजनों की सहमति के बाद साहिल को बीती रात 10:10 पर ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, जहाँ ऑपरेशन से पूर्व बेहोश करने के लिए डॉक्टर CL गुप्ता ने मरीज को इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद साहिल की तबीयत अचानक बिगड़ी। सांस, धड़कन, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। पीड़ित की हालत ज्यादा खराब होने पर उसे परिजन आनंद फानन में निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। तो डॉक्टर ने क्या इलाज किया? डॉक्टर ने बोला कि कल मंगलवार तक ऑपरेशन होगा आपके लड़के। जी, फिर क्या किया उन्होंने? और भर्ती कर लिया और कहीं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में आज ऑपरेशन मिलेगा उसको 10:20 पे। और फिर वहाँ से बोला कि कल नहीं, ये तो सीरियस, उसको तो होश में ही नहीं आया कि दूसरा अस्पताल में जाओ। तो हम दूसरे अस्पताल में ले गए। आपसे कुछ पैसे भी लिए गए थे क्या? पैसे लिए, 8,000 जमा करवाए हमारे से कल 3 बजे। मामला सर ये, हम पैर के एड़ी के पास पिक्चर था, इसके लिए आए थे। वो संजय राणा साहब से पहले पूछा भी, सही बताया हम लोगों ने कि सर ये एक्सरे आप देख लो, आपसे होता हो तो आप काम करना, नहीं तो ठीक है, क्योंकि 100% गारंटी अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर, कि भर्ती का पर्चा कर दो, तो ठीक है सर कर दो भर्ती का पर्चा। भर्ती करवा लिया। कब कराया भर्ती? शुक्र वाले रोज। तो क्या आपका ये जाँच वाँच करे तो क्या आपका मंगलवार के दिन ऑपरेशन होगा? मंगलवार तक हम रुके अस्पताल में सर, जब तक उन्होंने 10:10 पे ऑपरेशन के लिए ले गए अंदर, ने करीब इंजेक्शन लगाया उन्होंने बेहोशी का, जब से वो 12:30 तक होश में नहीं आया और उसकी हालत अभी सीरियस बनी हुई है। डॉक्टर साहब ने संजय राणा साहब थे और उनके साथ LK गुप्ता सर थे। डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर साहब का कुछ भी नहीं, डॉक्टर साहब तो और बोल रहे हैं कि तुम्हारे से जो बने वो कर लो। आपसे कोई पैसे की मांग भी की गई थी? की गई सही, 8,000 रुपये दिए। किसको दिए आपने 8,000 रुपये? सर संजय राणा सर ने बोला कि मैं बंदा पहुंचाऊंगा डॉक्टर साहब भरत सर करके नाम है, उनको फीस जमा कर देना आप, ये स्क्रू वगैरह आएंगे पैर के ऑपरेशन के लिए तो दे देना, तो ठीक है आप वो आए तो हमने दे दिए फीस। साहिल पिता राशिद खान, इसकी उम्र 19 वर्ष है, पिपलोन कला का रहने वाला है युवक जी, और इसको सीधे पैर के जो एंकल जॉइंट होता है उसमें फ्रैक्चर था। फ्रैक्चर होने के कारण ये 6 तारीख को भर्ती हुआ था अस्पताल में। ये डॉक्टर संजय राणा इसके केस को देख रहे थे जी। उन्होंने एक्सरे और सब जांचें करवाने के बाद में फिर चूंकि इस केस में ऑपरेशन की आवश्यकता थी जी, तो ऑपरेशन की तैयारी की थी जी, एवं आज 10 तारीख को उसको ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लिया था जी। अब चूंकि क्या होता है कि ऑपरेशन करने के पहले रीढ़ की हड्डी में पैर सुन्न करने की दवा लगाई जाती है, तो वह डॉक्टर SL गुप्ता ने उनको सुन्न करने की दवा लगाई थी जी। और दवा लगाने के बाद में डॉक्टर संजय राणा ऑपरेशन से संबंधित तैयारी ही कर रहे थे जी। डॉक्टर संजय राणा ने ऑपरेशन उस समय तक चालू नहीं किया था, इसी दौरान साहिल को दिल का दौरा आया जी। दिल का दौरा आने के बाद में जैसे ही मालूम पड़ा कि दिल का दौरा आया है, तो ऑपरेशन थिएटर में जितने भी डॉक्टर उपस्थित थे सबके सब उसकी इस समस्या को मैनेज करने के लिए जुट गए जी। और उसको फौरन आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई, जिसमें ट्यूब डालना, ऑक्सीजन लगाना, ये सब करना, और फिर उसको उस दिल के दौरे की स्थिति से उभारने की कोशिश की गई एवं काफ़ी कुछ उभारा भी। उसके बाद में उसकी हालत में थोड़ा सुधार भी हुआ एवं चूंकि अब उसकी कंडीशन थी, उसकी स्थिति जो थी, वो ICU केयर और किसी बड़े संस्थान में उसका इलाज करवाना आवश्यक था, तो उसको फिर बड़े संस्थान की तरफ डॉक्टर संजय राणा द्वारा रेफर कर दिया गया। ये क्या हाई डोज दिया था इंजेक्शन का क्या मामला है? हाई डोज जैसा कुछ भी नहीं है, इसमें जो नॉर्मल डोज दिया जाता है इस प्रकार के सभी ऑपरेशन में, चाहे वो एंकल जॉइंट का ऑपरेशन हो, चाहे पैर की किसी अन्य
हड्डी का ऑपरेशन हो, इसमें जो नॉर्मल डोज दिया जाता है वही दिया गया था। इसमें हाई डोज जैसी तो कोई बात नहीं है कि हाई डोज दिया गया था। परिजनों द्वारा पैसे का आरोप लगाया है कि डॉक्टर द्वारा पैसे मांगे गए 6 से 8 हज़ार रुपये। कितने? 6 से 8 हज़ार रुपये। नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि मरीज के परिजनों द्वारा, मरीज के परिजनों से डॉक्टर द्वारा पैसे मांगे गए। अगर ऐसी बात थी तो वो मुझसे बात करती इस बारे में। कुछ प्लेट वगैरह सामान मंगाने के लिए कुछ भरत नाम के व्यक्ति को पैसे दिए गए। हाँ, वो मामला अलग है। वो क्या होता है कि जैसे ऑपरेशन में कुछ भी रॉड या प्लेट लगती है जी, वो चूँकि सरकार द्वारा हमें दी नहीं जाती जी, तो वो मरीज के घरवाले ही उसकी व्यवस्था करते हैं जी, और उसके फिक्स सप्लायर होते हैं जो कि उज्जैन में 3-4 लोग हैं, तो उनसे बात करके वह इम्प्लांट की रॉड प्लेट की व्यवस्था कर ली जाती है। और सर्जन का काम तो सिर्फ रॉड प्लेट ऑपरेशन करके करने के बाद में लगाना रहता है। सर, ये कुछ बिल वगैरह देते हैं क्या? मांगने पे बिल भी दिए जाते हैं उसके। ऐसा नहीं है कि वह कोई गलत काम है या कोई चोरी छुपे कोई काम किया जाता है। मरीज और मरीज के घर वालों को पूरी तरह से सब बातें बता के ही, उनकी सहमति लेने के बाद ही रॉड या प्लेट लगाने का काम, इम्प्लांट लगाने का काम जो होता है वो किया जाता है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने लापरवाही से बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जिससे साहिल की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने डॉक्टर से बात करना चाही तो डॉक्टर ने धमकी दे डाली कि जो तुमसे बने कर लेना। परिजनों ने माधवनगर हॉस्पिटल पर हंगामा कर दिया। मौके पर माधवनगर पुलिस ने पहुंचकर परिजनों से हंगामा समाप्त करवाया। जब इस मामले में डॉक्टर गुप्ता से बात करना चाही तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ माधवनगर पुलिस व CMHO को शिकायती आवेदन दिया है। वहीं परिजनों ने यह भी कहा कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के नाम पर उनसे 6,000 रुपयों की ठगी भी की है।